지향은 이렇게 대액점 좀 하라 왜? 그래서 걔한테 떠나 떨려서 편하게 내가 돼. मौड़ी जे अपने ही तय के लोग हैं, कैसे दूसरे लोग मंजे मजाए बर्तन दोबारा नहीं मांजत, न धुले धुलाए कपड़ा दोबारा धोत हैं। जे बुआ जी हमें मूर्खा देवी कहते हैं, पर खुद उतना ही झाड़ू लगा रही हैं जितने ऑलरेडी झाड़ू लग चुकी है। ओहो भैया, हम कछु समझे नहीं सरला देवी, तो का जे सबरे काम इन औरन ने नहीं करे? काय नहीं करे हम औरन ने काम? हाँ हा, सबरे काम हम ही लोगन ने तो करे हैं। जे देखो जे वीडियो भी है, देख लो सबरे कमेरे काम कर रहे हैं। हो भैया, हमें एक बात समझ में नहीं आई, हमारी भोली अम्मा तो इतने सालन से पूरे घर भरे को काम करती आ रही है, पर इनने तो आज तक काम करत को वीडियो शूट नहीं करवाओ, फिर आप और इनने काम करत को वीडियो काय बनवाओ? हमें डाउटिया हो रहा है। हमें भी गुड़िया मौसी, हम तो सोच रहे कि आज ही नाना जी ने हमें तो एक पैसे कायद है कि अपन बाहर चले गए, और मौसी अपन जब बाहर थे तब वही काम काय भाओ। आओ आओ मौसी। ओ भैया, फालतू में खेल खेल में इतने फंस गए, इतने कब गिर गए पता ही नहीं चलो। अब अगर सच खोल जाए ना बाबूजी, तो बहुत बेइज्जती होगी अपनी गुड़िया के सामने। सुनो सब औरे, हमने सोचो है कि जे सबरी बातें ना नन्हे चाचा जी को बता देते हैं। बेतहकीकात करेंगे आप। ज्यादा छुक्कपना नहीं दिखाओ, खून नहीं होगा है अपने ताकि तुम तहकीकात करवाओ। तुम्हें वीडियो पे भरोसा नहीं है ना? हम पे है? हमने खुद अपनी आंखन से देखो है कि तुम्हारे बाबूजी और भैया और बाकी लोगन ने सबरे काम खुद करे हैं। ये सही में अम्मा? और का? ओ भैया, हम तो जानत थे पहले से कि हमारे भोले बाबूजी और हमारे भोले भैया ऐसा कोनो काम है ही नहीं है कि जे औरे कर नहीं पाए। शाबाश दोई बॉयज। अम्मा, माफ कर दो अम्मा, हमसे गलती हो गई। हमसे भी गलती हो गई सरला देवी, हमें भी माफ कर दो, काहे कि हमने जा खेल कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लो यार। तो ऐसे माफी काहे मांग रहे, खेल है, खेल में तो ये सब चलत रहते हैं। चलत हुई है, पर अपने घर के खेल में ये सब होने नहीं चाहिए थे।
भाव का कि तुमने साफ साफ मना कर दे है? कि हम जा खेल में शामिल ही नहीं है, तो हम और अन्य जो सोचो अम्मा, हम लोगों ने जो सोचे कि पापा जी को जो सरप्राइज गिफ्ट है वो अपन को ही मिले, इसीलिए भाई चक्कर में जे सबरी चालाकी कर बैठे, पर तुमने यार भाई भुला के हम लोगों के झूठ को सच में बदल लो। दिल से शर्मिंदगी हो रही है हमारा को। ऐसे शर्मिंदा हो के हमें शर्मिंदा नहीं करो, ऐसी भी का बड़ी चालाकी कर दी तुम औरन ने, और ऐसो भी का पहाड़ जैसो त्याग कर दो हमने। अरे रोजमर्रा के काम है, जिंदगी भर से करता रहे। जी बात अम्मा, आप आपके बड़प्पन को दर्शाते हैं, आपको आप बनाते हैं अम्मा। हमें ना जब बचपन से ही लगता है कि हम कितने लक्की हैं कि हमें आप मिली अम्मा के रूप में। अम्मा अब तो हमें भी बचपन से यही लगा था तो कि बचपन से नहीं मतलब राजा जी तीर कमान से निकल चुको है, तो मान चुके हो कि अब तुम्हारी अम्मा है। लो जे तो सबरो खेल पूरी तरह से उलट गया, पर हम भी ऐसे हिम्मत हार बेबारों में से तो नहीं है। अबे तो तुरुप की बेगम बाकी है। जे देखो जे भी कम नहीं है, तनक से मौका मिला थे और बस खर्राटे मारन लगत है। बुआ ओ बुआ, ए कान पे तेक जोर से भोपू काय बजा रही तुम? तो का करते, कितनी गहरी नींद में सो रही हैं तिया? आओ हम सो रहे थे, ये नींद ही तो नहीं आते हमें, जे ही तो हमारी बहुत बड़ी समस्या है। कितने झूठ बोला थे। अरे का होगा, हमें कछु नहीं भाव। हाँ हम तो आपके लाने दुखी हो रहे, हमारे साथ ऐसे का होगा। देखो बुआ, बादी ना हम सब जानत है कि कोई ने भी कछु काम नहीं करो है, तो है ना, पर सरला बहन ने समधी जी को और दामाद जी को झूठा साबित होने से बचा लो, पर उनने आपको नाम लाओ। नहीं ऐसो कछु नहीं है, बाने कही तो हती कि इन लोगों ने मिलके काम करो। नहीं उनने साफ साफ कहो है, तो हमने अपनी आंखन से देखो है कि तुम्हारे बाबूजी और भैया और बाकी लोगों ने सबरे काम खुद करे हैं। बुआ जी कब कहो बताओ भला। हो सही कह रही, कोई बात नहीं जाने दो, अब आपको इतने ही रहने हैं तो समझौता तो करना पड़े। हम काय के लाने समझौता करेंगे, अपनो सब कछु सरला के नाम ऐसे ही नहीं करके बैठे हैं। अब भाई जाके बा को हिसाब किताब बराबर करत है, का समझ रखो है? सरला देखो हमारे साथ कितने अन्याय हो रहा है, देख लो। अरे हम नहीं पुसा रहे तो सीधे सीधे कह दो ना, हम चले जाएंगे बहुत ही, पर ऐसे दिल दिल करके तो न मारो हमें। ठीक है बुआ जी, आप तुझे बताओ कि हुआ का है। हुआ का है? हे भगवान। अरे अच्छो भाव आप आ गए नन्ने जी, बहुत ही अच्छो भाव। देखो देखो का व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, इतने देख लो। क्या हो रहा? अच्छा आप हमें बताइए, हम सुन रहे हैं। आपको तो पता है ना अपने ते खेल को आयोजन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और बा में सबको काम करने हैं। बिल्कुल करने हैं, यही तो खेल है। हाँ दामाद जी और पप्पू ने कछु काम नहीं कर, और सरला ने उनकी गलती ठाप ले, उनको सब काम करके जे बोलता हो कि जे सब काम इन्हीं लोगों ने करो है। ओ। और सरला तुम्हें तनक सी भी दया नहीं आई हम पर, तुम हमें अपनो नहीं मानती। कैसी बात कर रही हैं बुआ जी आप, आपको अपनो काय नहीं माने, पर आपने कछु गलती करी नहीं होती, आपने तो अपने सबरे काम खुद कर रहे होते ना, तो आपकी का गलती ढापते अम्मा? वो भैया सरला देवी तुम ना बहुत ही बड़ी झूठी हो सही में, अबे हाली रज्जू ने स्वयं मानो है तुमने कछु काम।
मान तो लाइए। अरे तू भी मान जा मेरे बाप। हैं? कहाँ होगा साहब? वो तो जाके दरवाजा पे खड़ा हो जा। हैं? दरवाजा पे खड़ा हो जा तो उसे बाद में बात करूंगा। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब इतने जो सब प्रकरण चल रहा हो तो वैसे जा साबित होगा है कि सबरे का हिस्सा को काम समनन जी ने करो है। हाँ। तो समनन जी ऑलरेडी जा प्रतियोगिता की विजेता हो चुकी हैं। ऐसे कैसे? गुल्लक तो तोड़ के देख लो। रब का तोड़ ले गुल्लक। अब तो सीधे सीधे सब लोगों को पता चल चुको है कि सबरे काम अम्मा ने ही करो है बस। पर रूल तो रूल होते है ना, है कि नहीं? बुआ जी गुल्लक। हाँ हाँ। ₹10 एक और है। ओ एक और ₹20 टोटल। आज सब तैयार हो जा। हाँ। कुछ भी नहीं। नील बटा सन्नाटा। अंतिम कामाज जी। हाँ हाँ। इतने सारे पैसा? वो भाई क्या? जी कैसे हो सकत है? हमारी भोली अम्मा ने तो कितनो सारो काम करो तो। ओह यार जे तो असंभव है। पर रूल तो रूल है। जी गुल्लक के हिसाब से तो हमारे दामाद जी जीते। ऐसो है? का नाम तुम्हारो? चंचल। कि सरला देवी की गुल्लक नहीं भी होती ना तो भी हमारी सरला देवी ही जीतते। हाँ। मौसी जी, जे खेल तो का को भी खेल है कोई जो आई अम्मा से कंपटीशन कर सकत? युके और का? और की में है एकदम जो पूरा घर तो बोझ अपने कंधे पे उठा सके। आज सूरज पता नहीं कितने से निकलो हो तो स्वीटी कि बेटा तुम हमारे फेवर की बात कर रहे। पर ना हमने ऐसो कछु बिरलो काम कर दो है कि हमारी तेक तारीफ हो। समदन जी बिरलो ही काम कर रही हो आप। जो कंपटीशन किते भी करा लो ना ऐसो। इतने नहीं किते भी माँ ही जीत। कैसे कि माँ तो माँ होता है सब संभाल लेते। सही कह रहा है भाई साहब। बढ़िया इतने आओ बेटा। जानत है तुमने जानबूझ के जो कंपटीशन करवाई ना। वो भैया तू और क्या करते हम बाबूजी? ना तो इनको ध्यान है तो खुद के ऊपर ना आप और इनको को ध्यान गाओ। हमारी भोली अम्मा सवेरे सबके उठने से पहले ही उठ जाती है। रात का सब औरन के सोबे के पास सोती है। हसत हसत हमेशा सब औरन के काम करती रहती है। तनाक्षी को की उंगली का कट जाए तो मानो इनकी तो पूरी दुनिया ही हिल जाते। वो भैया और खुद जे दर्द दबावे की गोलियां खा खा के काम करती रहती है। और विडंबना देखो साहब, घर की औरतें ही आपको ड्रामेबाज को खिताब दे देते हैं। मतलब आपको जो तकलीफ हो रही है वो हो नहीं रही। आप नाटक पाकिला में बहुत शर्मिंदा है। माफी मांगते हमें माफ कर दो। कोई एक दिन तो हमारी अम्मा के जैसा बिता के दिखाए तब पता चले। हर सांस काम करत है हमारी हम। भैया आपको एक इतना में हमारी भोली अम्मा को तरह समझ आ गा?
ऐसा नहीं है बेटा, ये तो समय की बात हो गई कि इन औरन को ध्यान नहीं गो हमारी तकलीफ पे, नहीं तो अपने ते तो माहौल बहुत अलग है बेटा। तुम्हारे भैया और बाबूजी बहुत काम कराते हैं हमारे साथ, लेकिन हम भी बोर हो जाते हैं डेली। वही सुबह उठो और सब खिलाने, चाय बनाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो दो, कपड़े धो दो, पूरे दिन बस काम काम। हमारा भी मन होते कि को एक दिन ऐसा हो कि मैं कोई हमसे कहे कि तुम बैठो आराम से, सुबह की पहली चाय हम पिलाते तुम्हें। अरे यार, बाकी तो हम सबरी बातें मान रहे परमेश्वरी तुम्हारी, पर जे का बात हुई हमका तुम्हें चाय नहीं पिलात पिलात हो जब तुम्हारा मन होते। पर राजा जी कबो हमारा भी मन होते कि हम पूरे दिन आराम से बैठे रहे। कोनो दिना अगर बर्तन देर तक नाली पे गंदे पड़े रहे तो सबके मुंह चढ़ जाते, इन्हें का होगा। को हमसे जे नहीं कहत के कोई बात नहीं, बर्तन कल मांझ लियो, नहीं लगाओ आज झाड़ू, का होगा, दे दो अपने हाथन को आराम। एक दिन झाड़ू नहीं लगाओगी तो कम औरत थोड़ी ना कहलाओगी। और हम एक बात बताए आप लोगन को कि हम घरेलू औरतन को ज्यादा कछु भी नहीं चाहिए हो, बस आखन में तनक सो सम्मान और प्रेम के दो मीठे बोल बस। सरला देवी, तुम्हारी जायज स्पीच के बाद ना तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरन में लिखा जाएगा। ओ भैया सरला देवी, जब भावुकता की लहर के साथ अपने को भूलने नहीं कि हमारे भोले चाचा जी ना जीतने वाले को एक सरप्राइज इनाम देवे मारे। हाँ। चाचा जी भाई नाम है तो बताओ। अरे हाँ, इनाम जो है तो कि जो भी जो प्रतियोगिता जीत है, हाँ? कोई भी, हाँ? वो हमारे संगे चार रात और पांच दिन के लाने कश्मीर जाएगा। कश्मीर? ओ भैया! बाबूजी! बाबूजी, बाबूजी, आराम से, आराम से। बैठो। शौक लग गया होगा बाबूजी को। एक मिनट बाबूजी। सीधो छक्का मारो है। समधी जी, सबसे पहले तो जा सरप्राइज इनाम के लाने बहुत सारो शुक्रिया। शुक्रिया। और समधी जी काहे के हमाओ भरो पूरो संसार है, तो हमाओ कछु भी मतलब इनाम भी इंडिविजुअल तो हो ही नहीं सकत। वैसे कश्मीर जावे को हमारा बचपन को सपना है तो, पर अब वो हम पूरी फैमिली के साथ पूरा कर रहे हैं। हाँ, जो भी ठीक है, ये तो जटिल हम पे ड्यू रही, अब सबरे मिलके कश्मीर चले। और जेनेक्स में हमारी तरफ से पार्टी। भैया फिर का है, चलो। अरे मोड़ी 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 मोड़ी, तुम कहते चल रही है ऐसी बिंदु सी, हैं? चलो जाओ, पहले तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। चलो बापू जी। चलो क्या होगा, अब बात करने चलो। तो जी आपको सामान। जी का बदतमीजी है, हम कितौ नहीं जा रहे। हम आपसे कह भी नहीं रहे कि आप कितौ जाओ, हमें तो बस कछु देने हैं आपको। जे वो गुल्लक जो आपने बदल दी थी, और चंचल बहन हमें पतो है कि पप्पू की गुल्लक में कीने इतेक सारे पैसा डाले हते। वो कहा तो सलबन की चंचल बहन, हम जे बात
बाहर सबके सामने भी बोल सकते, पर हमारी स्वीटी ने बहुत प्यार से आपको बुलाओ है, आपको कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। अम्मा कितने सारे पैसन वाली गुल्लक की थी है ये मौसी? गुड़िया तुम जो ना कराओ सो कम है। Mm-hmm.